हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों के बाद मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है और आज है संडे और यहाँ पे सुबह बज गए हैं 8 और मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ, चपाती और चाय बना रही थी और द्विज खेल रहा है। आज संडे है तो स्कूल भी नहीं है इसका और इसके पापा तो ऑफिस के लिए सुबह ही निकल गए हैं और मैं सुबह जल्दी उठ के बाकी का काम वगैरह करके अभी नाश्ता कर रही हूँ। और आप बताना, आप कैसे हो सब? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। बहुत दिनों के बाद व्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि बीच में व्लॉग बनाने के लिए नहीं मिला है मुझे। मैं सोच रही थी कि कंटिन्यू व्लॉग बनाऊँ लेकिन लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम आ ही जाती है ना, तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया है और इन दिनों में बहुत सारा चीज़ें कुछ उलट पुलट हो गई है हमारे साथ। तो अब मैं आपको सबके बारे में आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। फ़िलहाल तो इस वीडियो को एंजॉय करना, सिंपल सा वीडियो बनाया है मैंने आज, कुछ खास नहीं है लेकिन आपको पसंद आएगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। और चलो देखते हैं आगे क्या होता है। नाश्ता वगैरह करके अभी ना मैंने कपड़े धो लिए हैं। वॉशिंग मशीन फ़िलहाल कुछ नहीं लाया, फ्रिज नहीं लाए, हम लोग कुछ भी नहीं लाए, सिर्फ किचन के थोड़े बहुत सामान लेके शिफ्ट हुए हैं, तो सामान वगैरह सब शिफ्ट करना है। फ़िलहाल मैं यहाँ हाथ से कपड़े धो के डाल रही हूँ। मुझसे हाथ से धोने के लिए नहीं होता है क्योंकि मुझे कमर का प्रॉब्लम है, बहुत पेन होता है। सी सेक्शन हुआ है ना तो बहुत पेन होता है, ज़्यादा देर झुक के कपड़े नहीं धो सकती। फिर भी मैं धो लेती हूँ कभी कभी क्योंकि थोड़े लोगों को प्रॉब्लम होती है ना सी सेक्शन के बाद, तो मुझे वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो पेन बहुत ही बढ़ जाता है थोड़े थोड़े दिन में। और अभी चलते हैं किचन के तरफ और मैं यहाँ बना रही हूँ चिकन पुलाव और चिकन कबाब। और चिकन पुलाव बनाने के लिए मैंने कुकर में घी लिया है 1 टीस्पून और लंबा कटा हुआ ऑनियन, 1 टमाटर लेके अच्छे से फ्राई करके लेना है। और मसाले के लिए 1 कटा हुआ ऑनियन, 1 टमाटर, थोड़ा सा अदरक लहसुन और कोरिएंडर लीव्स डाल के अच्छे से उसको पेस्ट करके लेना है। और इस पेस्ट को अभी कुकर में ट्रांसफ़र करके अच्छे से उसे पकाना है, जब तक पकाना है कि तब तक उसका कच्चा स्मेल ना जाए। और उसमें हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और गरम मसाला है तो आप डाल सकते हो। और उसके बाद जो धुला हुआ चिकन रहता है वो डाल के अच्छे से इसको स्टेयर करके लेना है 1-2 मिनट के लिए और थोड़ा सा नमक डालना है। गरम मसाला डाला है मैंने और अच्छे से इसको स्टर करके लेना है, अच्छे से पकाना है, जब तक चिकन आधा कुक ना हो जाए तब तक उसको अच्छे से पकाना है। और अभी ना राइस इसमें धो के डालना है। मैंने यहाँ पे करीब 2 कप राइस लिया है और 2 कप में 4 कप पानी लेना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ग्रेवी में थोड़ा पानी है तो आप लोग थोड़ा सा पानी की क्वांटिटी कम करना। अगर 2 कप राइस लिया है तो आप लोग 3.5 कप पानी ऐसा मेजरमेंट से डालना और उसमें थोड़ा सा घी और इस घी और पानी मिक्स करके एक बार नमक चेक कर लेना। अगर आपको इस मोमेंट में नमक थोड़ा कम लग रहा है तो नमक डाल के और कोरिएंडर लीव्स डाल के इसको ढक के 2 से 3 सीटी निकाले तो परफेक्ट चिकन पुलाव हो जाएगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ज़रूर ट्राई करना। और यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा किचन का वगैरह सामान काम सब हो गया था और यहाँ पे फिर हम लोग शाम के लिए निकले थे विशाल मार्ट को और ऐसे ही थोड़े छोटी मोटी कुछ कुछ सामान लिया और हम लोग घर को आ गए। उसके बाद मैंने व्लॉग नहीं बनाया
और यहीं पे मेरा व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, सिंपल सा व्लॉग है, आई होप आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना और आने वाले वीडियोस ऐसे ही देखते रहना। टेक केयर, बाय बाय, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।